गुड मॉर्निंग। तो मैं आज लाया हूँ आप सबके बीच वेक्टर एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम। थ्योरम कहता है क्या, ए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन डैट द थ्री नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। कहता है आपको कि यदि थ्री वेक्टर ए बी सी तीन वेक्टर हैं, ये कोप्लेनर होगा तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए, या यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे वो तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन में, देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी ये तीन वेक्टर हैं। कैसा वेक्टर है, तो नॉन पैरेलल हैं और नॉन जीरो हैं, इस प्रकार हैं कि वो सब कोप्लेनर हैं। मैंने हमने क्या किया, मान लिया कि तीन वेक्टर आपका वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन वेक्टर हैं, वो नॉन पैरेलल हैं नॉन जीरो हैं और वो एक ही प्लेन में हैं, ये हम एज्यूम कर लिए। अब हमको प्रूव करना है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, ये हमको प्रूव करना है। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बी क्रॉस सी मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है, तो वो परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पर, तो उस प्लेन में जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर हो। तो वही यहाँ लिखे हैं कि बी क्रॉस सी जो है एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन में जिसमें कंटेन है कौन, बी और सी कंटेन है। ये मान लीजिए आप एक प्लेन है जिसमें वेक्टर बी है वेक्टर सी है, इस पे वो लाइन क्या है आपका बी क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। ये यही कह रहा है कि बी क्रॉस सी का मतलब क्या हुआ, बी क्रॉस सी एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन में जिसमें वेक्टर बी और वेक्टर सी है। अब ध्यान दीजिए यहां पे ज़ूम क्या है, हम क्या ए बी सी आपका क्या है कोप्लेनर वेक्टर है, ए बी सी आपका कोप्लेनर है, मतलब ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है। तो माइनली आपका ए भी कहां होगा, इसी प्लेन में होगा। अगर ए उसी प्लेन में होगा तो बी क्रॉस सी जो है ये वेक्टर वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पे, वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर होगा। तो आप पढ़े हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो होता है। तो मीन्स बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, परपेंडिकुलर है इसके कारण। अब ए क्रॉस बी आप पढ़े हो ए डॉट बी लिखो या आप लिखें बी डॉट ए, दोनों का वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी को रिवर्स कर दिए हम, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। ये किसको डिफाइंड करता है, ये डिफाइंड करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखा जाता है। यानी ये क्या हो गया जीरो, कब आया जीरो, तो जब ए बी सी तीनों वेक्टर क्या हो, नॉन जीरो हो नॉन पैरेलल हो और तीनों एक ही प्लेन में हो। तो यानी हम कहेंगे कि जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हुआ। फिर इसका कन्वर्स देखिए, कन्वर्स में कहते हैं क्या, मान लीजिए आप कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है तीन वेक्टर का वो क्या है, जीरो है। तो हमको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है, ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है आपको कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनीशन से आ गया आपका ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। अब आप पढ़े हुए हैं कि ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसको क्या किया, आपस में चेंज कर दिए, पहले हम लिख दिए बी क्रॉस सी डॉट ए ये इक्वल टू जीरो। अब ये आप याद करिए फिर ट्वेल्थ में कि यदि ए डॉट बी का वैल्यू जीरो हो तो ए परपेंडिकुलर होते हैं कहाँ, बी पे। यहाँ पे वही लिखे कि अगर ये वैल्यू जीरो है ए बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कहाँ, ए पर, ये लिख दिए। लेकिन आप जानते हैं बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, कि बी क्रॉस सी एक वेक्टर होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं उस प्लेन में जिस प्लेन में बी और सी हो। तो बी और सी जिस प्लेन में होगा उस प्लेन में परपेंडिकुलर होगा कौन, बी क्रॉस सी। यहां कह रहा है कि बी क्रॉस सी कहां परपेंडिकुलर है, ए पे। अब देखिए
बी क्रॉस सी ए पर परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस सी उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिसमें बी और सी वेक्टर है। इसका मतलब ये तीनों जो होगा ए बी सी कहाँ होंगे, ये होंगे एक ही प्लेन में होंगे, एक प्लेन में है मतलब वो कोप्लेनर है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो थ्योरम है कि यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, जहाँ पे वो तीनों वेक्टर क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल और नॉन जीरो, तो वो तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, या अगर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें बार बार समझना है, लिखना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया थ्योरम लेकर लाएंगे जो वेक्टर एनालिसिस के इंपॉर्टेंट है। बाय।